भविष्योत्तर पुराण में नागाष्टमी की व्रत कथा कही है। दत्तात्रेय स्वामी ने राक्षसों को हराकर देव इंद्रादि देवताओं की रक्षा की थी। फिर उस दत्तात्रेय भगवान ने क्या उन राक्षसों के साथ युद्ध किया जमराजु से, या अपने योग बल से उनको हराया, यह बात उसने दीपक नाम के शिष्य ने अपने गुरु से पूछी और पूछा कि इसका विवरण दो कि कहीं दत्तात्रेय भगवान ने योग बल से उन राक्षसों को हराया या युद्ध करके अस्त्र और शस्त्रों से उनको हराया। ऐसा दीपक नाम का शिष्य अपने गुरुदेव से पूछ रहा है। गुरु कहते हैं, हे वत्स, मैं तुम्हें पूर्व इसी प्रकार धर्मराज को श्री कृष्ण भगवान ने यही प्रश्न पूछा था, उसी प्रकार उसी प्रश्न को जिस प्रकार कृष्ण ने धर्मराज को सुनाया था वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ऐसा गुरु अपने शिष्य से दीपक नाम के शिष्य से कह रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संतानें हुई, वो आठ संतानें हुई और उन आठ संतानों को विष्णु अंश लक्ष्मी देवी का अंश समझकर उन दोनों ने उन सभी अपने पुत्रों को ब्रह्मर्षि कल के समान एक अच्छा विद्या भोग किया और यह अनघ और अनघा देवी पूजनीय कहलाते गए। इस प्रकार अपने भार्या अनघा के साथ भगवान दत्त योग अभ्यास कर रहे थे, जिन्हें जम्भासुर से पीड़ित देवता आकर शरण मांगते हुए बोले कि जम्भासुर नाम का राक्षस से उपद्रव हो गया है, हमें किसी प्रकार की रक्षा की जाए। और वे इस दंपति के पास जो अष्टपुत्रों के साथ अपने पास रहते थे उनके पास आए और कहा कि हमें इन उस राक्षस से हमारी रक्षा करो, ऐसे देवताओं ने प्रार्थना की। वह जम्भासुर अपने ब्रह्मा का वर प्राप्त है और उसने इंद्र की नगरी अमरावती में जाकर सभी 1000 वर्ष वहाँ राज्य किया है और हम देवता भटक रहे हैं, मानो जंगल भटक रहे हैं। हे प्रभु, हमें पाताल में भी राक्षसों ने अपना राज्य किया है, स्वर्ग में भी उनका राज्य है और पृथ्वी पर भी उनका राज्य है, हम देवताओं की पूजा नहीं हो रही है, आप किसी भी तरह करके हमारी रक्षा करें। इस प्रकार इंद्रादि देवताओं को अपने पास आकर देख भगवान अनघा और अनघेश्वरी यानी दत्तात्रेय और दत्तात्रेय जी की पत्नी और उनके अष्टपुत्र ने देखा और ये इधर हमारे इन देवताओं ने उस राक्षसों के बाणों से और उनके कितने भी उनके साथ युद्ध करने पर भी जो वो पीड़ा से परितप्त अपने भागते हुए इन आश्रम को आए जहाँ दत्त और अनघा देवता रहते थे। उन दोनों के आश्रम में आकर विंध्या पर्वत में इन दोनों का आश्रय था, उस विंध्या पर्वतों में आकर उन्होंने उनकी शरण ली, दत्त और अनघा देवी की शरण ली। तब देवताओं ने कहा, हे देवदेव जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर, जम्भ जैसे दैत्य ने हमें हराकर हम भागते हुए आपकी शरण आए हैं, आप ब्रह्मर्षि आपके शरणों को हम नमस्कार करते हुए पूछेंगे, हमारे को आपके सिवा गति नहीं है, आप किसी भी तरह हमारी रक्षा करें। तब अनघ रूपी दत्तात्रेय भगवान ने उनकी सुनकर अनघा देवी की तरफ विलास के साथ अपनी पत्नी की पत्नी शक्ति होती है अपनी पति की तरफ हंसते हुए कहा कि हे पत्नी हम इनकी रक्षा करेंगे। और उन्होंने कहा कि आप सब निश्चिंत होकर हमारे आश्रम में रही है, हम पति पत्नी मिलकर आपकी उस राक्षस से रक्षा करेंगे। और उस तरह वो देवता उस आश्रम में रहते हुए बहुत निश्चिंत होकर रहने लगे। उतने में उन आयुधों से वीर सारे राक्षस भागते हुए इस दत्त और अनघा जहाँ दोनों आश्रम में रहते अपने अष्टपुत्रों के साथ उनके ऊपर युद्ध करने के लिए भागते हुए आए। और उन्होंने कहा कि हे दत्त और अनघा, तुम्हें हमारी शक्ति का पता नहीं है, हमने इंद्रादि देवताओं को यहाँ से भगाया है, हम तो तुम्हारे पास आए हैं, हम तुम्हें भी हरा देंगे, तुमने देवताओं की शरण दी है, हम तुम्हारे में धैर्य है तो तुम हमारे साथ युद्ध को आओ, नहीं तो हम तुम्हें भी हरा देंगे। तो इस प्रकार देखकर जब उन्होंने देखा कि अनघा माँ बहुत ही सुंदर है तो देवताओं ने कहा कि इस अनघा माता को उठा कर ले जाएंगे, तब दत्त क्या करेंगे, हमारे साथ युद्ध करेंगे या नहीं करेंगे। इस दुष्कृति से उन्होंने आकर अनघा माता को अपने पास लेने के लिए उन्होंने देखा, उन्होंने पहले अनघा माता कहा, देख तेरे दत्तात्रेय के पास वो तो जंगल में रहता है, वलकल पहनता है, फिर सारे फल वगैरह खाता है, हमारे पास सोना चांदी बहुत कुछ है, हम वो सब दे देंगे, तू हमारे साथ चलिया। वो तो स्वयं माता थी, वो क्या ऐसी आशाओं से अपनी प्रेषित थोड़ी है कि बाकी चले जाएगी। गुरु को छोड़कर दूसरा गुरु अगर बताता है कि मेरे पास 10,000 रुपए देंगे तो अनिल कुमार जी को छोड़ दो तो 2 मिनट में छोड़ देंगे हम, क्योंकि 10,000 रुपए से बाद में देखेंगे, गुरु जी बहुत पैसों की बहुत मुझे आवश्यकता थी इसलिए उस गुरु के पास गया 10,000 रुपए लिए। अब गुरु जी बस मैं आपका हूँ, आप 20,000 दे देना, बस बिल्कुल मैं आपका ही हूँ, आप ये देते हैं कहाँ बनेंगे। लेकिन वो इसी पत्नियां नहीं होती थी, वो पत्नी कहती थी कि नहीं मैं
उनकी बातों को सुनकर दत्त भगवान उनकी तरफ देख रहे थे और कह रहे थे कि हे तेरे साथ तो जा नहीं सकते, जाकर तो उनके सर पर बैठ जा। और जब किसी के सर पर लक्ष्मी बैठती है तो उसका अथक पाताल शुरू हो जाता है, नाश शुरू हो जाता है। वो घर का कहीं ना घर का रहता है, ना घाट का रहता है, ना समाज में उसको रहते हैं। अरे पत्नी बीवी की बात सुनकर रहता है, तो आपको पता है समाज कैसा कहता है, पति उनकी हालत क्या है जो पत्नियों की बात सुनकर रहते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि पत्नियों की बात नहीं सुन के रहना चाहिए, सुनने हद तक ही सुनना चाहिए, सर पर नहीं उठा लेना चाहिए। तो ऐसी बात उन राक्षसों की हुई और उन राक्षसों के सर पर लक्ष्मी उठकर बैठ गई और उससे उस राक्षस वो राक्षस अपने तेजोहीन हो गए और उनके ऊपर जैसी माता का वजन बढ़ते गया वो भूमि के अंदर चले गए जाते गए और वो तेजोहीन और शक्तिहीन होकर राक्षस सारे हार गए। और जब सिर्फ दर्भ के एक दर्भ के आयु से दत्तात्रेय भगवान ने उनके ऊपर छोड़ा तो सारे के सारे राक्षस योग बल के कारण भस्म हो गए। इस प्रकार दत्तात्रेय भगवान ने इंद्रादी देवताओं की रक्षा अपने योग बल से की। यह कहानी भगवान कृष्ण ने भगवान धर्मराज से सुनाई। यह अनघा देवी और अनघा अनिहेश्वर दत्त भगवान की व्रतकथा का प्रथम अध्याय है। मध्य भाग में अपने योग बल से सारे देवताओं को रखकर 3,000 वर्ष उन्होंने तपस्या की। उसके बाद वे ऊर्ध्वरितस्थ होकर बहुत ही श्रेष्ठ तपस्या करने के बाद कार्तिकवीर्य नाम का उनका शिष्य उनके पास आकर उनकी सेवा करने लगा। जब वे तपस्या रत थे तब कार्तिकेय अर्जुन उनकी सेवा कर रहा था। उसकी सेवा से दत्त भगवान और अनघा देवी दोनों ने बहुत प्रसन्नता अनुभव की कि उस शिष्य की सेवा देखकर वे प्रसन्न हो गए और कहे कि तू कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, तूने जो तपस्या की है उस तपस्या का फल आज तुझे हम प्रदान करते हैं, तुझे तू जो इच्छा करता है वो इच्छा तुम्हें प्रदान करते हैं। ऐसा दत्त भगवान ने उस कार्तिकेय अर्जुन को कहा कि तू इस भूमि के ऊपर जहां तक भूमि प्रसारित है वहां तक तेरा ही राज्य होगा और तू 1,000 हाथों से अपने धर्म का पालन करेगा और तू सत्पुरुषों की सेवा करेगा। और तीसरा वर दिया कि इस पूरे पृथ्वी को तू जीत कर अपना राज्य चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा। और चौथा वर दिया कि तुझे जब भी युद्ध करते समय घमंड आएगा तो तुझसे भी बड़ा वीर ही तुझे मार सकेगा, जो तुझसे एक बड़ा वीर नहीं है उससे तेरी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा 4 वर भगवान दत्तात्रेय ने कार्तिकेय अर्जुन की सेवा पर संतुष्ट होकर प्रदान किए। कार्तिकेय अर्जुन दत्तात्रेय के उस वर से प्राप्त बहुत ही सप्त द्वीप का आधिपत्य चक्रवर्ती बनकर राज्य करने लगा। उसने सारे भूमंडल पर या राज्य किया और भगवान दत्तात्रेय के योग बल से वह जहाँ कहीं भी जाता था विजयी कहलाता था। वह ऐसी ही प्रकार की पूजा करते समय वह गंधर्व यक्ष किन्नर किमपुरुष ये सारे लोग उनके यागशालाओं में और उसके ऐश्वर्य को कार्तिकवीराजन के ऐश्वर्य को जो भगवान दत्तात्रेय ने उसे शिष्य के रूप में प्रदान किया था स्वर्ग भी उसके सामने तुच्छ लग रहा था। इतना कार्तिकवीराजन भाग्यशाली और गौरवशाली और शक्तिशाली हो गया था जो दत्त भगवान की कृपा से वो आकाश में भी उड़ सकता था, वो कहीं भी अपना रूप धारण कर सकता था और सारे राज्यों का पालन कर सकता था। ऐसा कार्तिकवीराजन भगवान दत्तात्रेय की कृपा से वो क्षेत्रपाल कहलाने लगा, वो पशुपाल कहलाने लगा। और उस समय वह अगर चाहता तो जहां चाहे वहां वर्षा करवा सकता था, जहां चाहे वहां ठंडी हवाएं बरसा सकता था, जहां चाहे वहां फूल और फूलों को वृक्षों को फल फूल प्रदान करने की शक्ति रखता था। इस प्रकार 1,000 सूर्यों की कांति के भांति वह कार्तिकवीराजन दत्तात्रेय भगवान की योगबल की कृपा से एक महान शिष्य कहलाता इस पृथ्वी मंडल को चक्रवर्ती के रूप में पालन करने लगा। उस प्रकार एक दिन वह अपने शिष्यों के साथ करकोटक नाम के नाग को अपने घर में लाकर रखा और उस समय इस प्रकार समुद्र की पत्नी नर्मदा ने वो मदोन्मत्त होकर अपनी रसकला अपनी पत्नियों के साथ खेल रहा था। तब करकोटक नाम का सांप वहीं आकर उनके घर में निवास करने लगा। तो यह उसके करकोटक का नाम कहते हैं कि हम ये करकोटक नाम का सांप अगर आप कभी कथा सुनते हैं तो इस कलयुग में नल दमयंती करकोटक और ऋतुपर्ण नाम के इस राजा इन 4 लोगों का जो स्मरण करता है उसका कलिदोष नाश होता है ऐसा कहा गया है। तो इस कली युग में जिसके ऊपर कोई कलिदोष यानी पूजा नहीं करते हैं या घर में कोई ऐसे ही असंबद्ध बातें करते हुए धर्म को छोड़कर जीते हैं, जो इन 4 देवताओं का नाम लेते हैं उनके ऊपर कलिदोष न लगते हुए धर्मबद्ध कार्य करते हैं, ऐसे कर्कोटक नाम का सर्प इस कलियुग में बहुत ही श्रेष्ठ कहलाया गया है। ऐसे सर्प भी कार्तिकवीराजन को देखकर भाग खड़ा होता है जो पूजनीय था।
तो इस प्रकार कार्तिवीर अर्जुन अपने मैंने अभी जैसा आपको बताया कि वह रावण जैसे राक्षस को भी, रावण जैसे लंका के राजाधिपति जो सबसे बलशाली था उसको भी अपने हाथ के नीचे अपने घर में उसने बांध कर रखा था। उसको पुलस्त्य उनके दादा के कृपा से फिर उसको उसने छोड़ दिया। और एक बार अग्निदेव ने अपने ही अपनी अपने अग्निदेव ने कार्तिवीर अर्जुन से कहा कि मुझे भूख लगी है। तब अग्नि को कार्तिवीर अर्जुन ने कहा कि यह भूमि सब तुझे प्रदान कर रहा हूँ। और उस अग्नि ने इस भूमि के ऊपर झाड़ों के साथ पूरी तरीके से सभी वृक्षों को सब जलाकर भस्म कर दिया। उसी समय कार्तिवीर अर्जुन ने कहा कि अग्नि तेरी भूख मिट गई, अब मैं फिर इसको शामिल करता हूँ। और उसने मेघ और आदि वर्षा के साथ अपनी गुरु कृपा के साथ फिर इसे हरा भरा बना दिया। ऐसा ही योगाचार्य कहने लगा जो दत्त भगवान की कृपा से ये सारी योग विद्याएं कार्तिवीर अर्जुन को प्राप्त थी। ये अनघा और अंघेश्वरी इस देवी दोनों की सेवा करने मात्र से उसको ये सारी शक्ति प्राप्त हुई थी कार्तिवीर अर्जुन को। इसमें प्रकार वह वर प्राप्त कर अपने भगवान दत्तात्रेय से पूछा कि प्रभु यह वर मुझे अकेले को भी प्राप्त नहीं, मेरे राज्य में रहने वाले सभी को यह वर प्राप्त हो। तब दत्त भगवान ने कहा जो मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी के दिन इस दत्तानघा व्रत का व्रत को करता है उन सारे लोगों को भी यह कृपा प्राप्त होगी। ऐसा उन्होंने कहते हुए कार्तिवीर अर्जुन ने अपने गुरु के प्रचारार्थ जो इतनी बड़ी शक्ति प्रदान किए हैं, जो लोग मेरे इस राज्य पर पृथ्वी पर जो ये व्रत करते हैं मैं उसी उनको किसी प्रकार का दंड न दूंगा और उनको सारा ऐश्वर्य प्रदान करूंगा, ऐसा कार्तिकवीर अर्जुन ने व्रतन किया है। तब से दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि जो यह व्रत करता है कार्तिकवीर अर्जुन वहां आकर वह व्रत सुनते हैं और व्रत सुनने वालों को कहते हैं कि तुम्हें भय नहीं, तुम्हें अभय दे रहा हूँ कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ और तुम्हें ऐश्वर्य प्रदान करता हूँ, ऐसा इस अनघा